बारामूला जिले के पट्टन में पट्टन डिग्री कॉलेज में एल्डर्स पार्लियामेंट का ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपनी तरह के इस पहले आयोजन ने लोगों का ध्यान खींचा और लगभग 100 लोगों के दर्शकों ने इस कार्यक्रम को देखा, जहां हमारे समाज के विभिन्न क्षेत्रों के बुजुर्गों ने 1980 के दशक के कश्मीर के अपने खूबसूरत अनुभवों को साझा किया और उन्हें फिर से जीवंत किया। वक्ताओं ने अपने ज्ञान को साझा किया और हमारे समाज में बड़ों की भूमिका और जिम्मेदारियों पर चर्चा की। उन्होंने दादा दादी की जिम्मेदारी के बारे में भी बताया कि वे अपने बच्चों पोते पोतियों को सही रास्ते पर ले जाएं। एक जीवन में शिक्षा का महत्व और दादा दादी या समाज के बुजुर्गों के लिए अब आगे आना और केंद्र स्तर पर ले जाना बहुत महत्वपूर्ण क्यों है। कश्मीर समाज का और वे आज के युवाओं के लिए आशा और आशावाद कैसे ला सकते हैं जिन्होंने कश्मीरियत का वास्तविक सार नहीं देखा है जो 1980 के दशक में बहुत आयात में था। बुजुर्गों ने 80 के दशक में मौजूद सामंजस्यपूर्ण समाज, प्रसिद्ध सूफी संस्कृति जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते थे और कश्मीर की समृद्ध शिक्षा संस्कृति के बारे में दर्शकों को बताया। ये एक बहुत ही खुली चर्चा थी जिसके बाद एक इंटरैक्टिव प्रश्न और उत्तर सत्र था जिसमें दर्शकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संसद ने इस्लाम की गलत व्याख्याओं का उपयोग करके युवाओं को कट्टरपंथी बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर चर्चा की और कैसे दादा दादी और बुजुर्ग हमारे युवाओं और बच्चों को अपने अनुभव और कश्मीर के गौरवशाली अतीत से कहानियों को साझा करके सुधार प्रदान कर सकते हैं। 20 के दशक के उत्तरार्ध में एक युवक ने कहा, ये मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से एक आंख खोलने वाला था जब मैंने सुना कि जब हमारे दादा दादी छोटे थे उनका जीवन कैसा था, कैसे वे एक स्वतंत्र वातावरण में दोस्तों के साथ कॉलेज जाते थे और सिनेमा देखते थे, कैसे वे देर रात सड़कों पर खुलेआम टहलते थे और अपने परिवार के साथ खरीदारी या पिकनिक पर जाते थे। संसद ने सैकड़ों श्रोताओं को देखा और नागरिक प्रशासन के अधिकारी भी इस दौरान उपस्थित रहे जिन्होंने सभा को संबोधित किया और युवाओं से हमारे बुजुर्गों के अनुभवों और ज्ञान से सीखने के लिए कहा। यह कार्यक्रम 29 राष्ट्रीय राइफल्स द्वारा जम्मू कश्मीर के सहयोग से आयोजित किया गया था। युवाओं को बचाओ, भविष्य के एनजीओ को बचाओ, अपनी तरह का ये आयोजन सभी लोगों, छात्रों, युवाओं, लड़कियों और लड़कों के लिए सीखने का एक शानदार अनुभव था। ये तो आर्मी ने जो 29 RRR ने बनाया यहाँ पे प्रोग्राम, ये बहुत अच्छा है। इससे लोग होशियार होते हैं और लोगों में जहनी दबाव हुआ है बहुत सालों से, कोई 30 साल हो गए लगभग आज होने तक, पता नहीं लगता है आदमी को कहाँ खोया हुआ है। फौज ने जो भी शुरू किया और मरकजी लिहाज से यह बहुत अच्छा, इन्होंने कहा लोगों को हौसला अफजाई हो रही है और जो नए नस्ल के बच्चे हैं उनको भी हौसला अफजाई होते हैं। हम जहाँ जहाँ यहाँ से आप वापस जाते हैं हमने अभी बच्चों को कहते हैं भाई ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसा करना है, लिहाजा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, इनको चलाना चाहिए, ऐसे प्रोग्राम आगे भी होनी चाहिए। आरके इंडस्ट्रीज लाए हैं स्ट्राइक ब्रांड के क्वालिटी प्रोडक्ट्स की रेंज, 17 नंबर से लेकर 6 इंच तक के कील, पका हुआ लेंटर वायर, 18 गेज व 20 गेज, हर साइज के लोहे व स्टील के कब्जे, जम्मू कश्मीर के हर जिले में डिस्ट्रीब्यूटर्स बनने के लिए संपर्क करें 9419166978। जीके अपडेट, अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टेक्ट 7051091811।